हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अपन ने चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर किए थे, अब उसके आगे वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। अम्मा उसे घूर घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? अब जब तुम्हें कोई घूर घूर के देखता है तो ऐसा कब होता है? जैसे कि मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, है ना। मजाक उड़ाते तो वो घूर के देखता है ना। अब मेरे पिताजी, अब जब कहना नहीं मानते हैं आप लोग तो आपके पिताजी भी आपको घूर घूर के देखते हैं ना। और मेरे शिक्षक, यानी काम पूरा नहीं होता है तो मैम भी आपको घूर के देखती ना गुस्से में डांटने के लिए। मेरी बहन या मेरा भाई, अब देखो बहन या भाई का भी आप कहना नहीं मानते तो वो भी गुस्से में देखते हैं आपको। अब है नेक्स्ट, दम लगा के हईसा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। अब दो टोलियों वाला कौन कौन सा गेम होता है बेटा? जैसे रस्सी वाला गेम होता है एक, वो तो इन्होंने लिख दिया है रस्सा कसी वाला। और खो खो, है ना, जैसे खो खो होता है। और वो बैडमिंटन होता है, वो भी दो जनों के बीच में होता है। बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है, ये भी दो टोलियों में खेला जाता है ना। और फिर है साफ़ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की सफाई करने के लिए बेटा किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? इतना तो आपको पता ही है ना, झाड़ू का, पोछे का, और किस किस का होता है, पानी का, है ना, बाल्टी का, मग्गे का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? जैसे अपना कोई त्यौहार आता है ना बेटा, होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, है ना, तो इन पे अपन क्या करते हैं, सामान हटाते हैं और पूरी सफाई करते हैं ना। तो इन त्यौहारों के नाम लिखने की, ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली, इन पे हमारी घर की सफाई होती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? अब ये मौके खास क्यों होते हैं बेटा, आपको पता है कि क्यों होते हैं खास? क्योंकि अपन ईद पे देखो नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई बनाते हैं, वो दिवाली पे पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं, है ना, तो ये इसलिए हमारे लिए खास होते हैं। अब नेक्स्ट है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, पोंछना, है ना, ये सब आप अपने आप लिखेंगे ये वाला सवाल, ठीक है। थैंक यू बेटा।